उसका पारा मिसा हुआ एक रन का इजाफा। आप सबके पास मौका गेंद को स्विंग करने का और सब ने इसको पास से पॉजिटिव उतर के बराबरी पर यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे एक और इजाफा हो जाए इसी के साथ ही 6-5। अगली सर्विस आएगी 5-6 आएगी आप आपकी ओर से सबसे सबके लिए कामयाब। पहला जो मुकाबला खेला गया था जो मणिपुर वर्सेस मणिपुर के बीच में हुआ था और पहला सेट जो है 45 मिनट तक चला था और यहाँ पे लास्ट का ब्लॉक इसके साथ ही एक और रन का इजाफा। 45 मिनट का खेल चला था यहाँ पे भी ऐसा लग रहा कि यह भी मैच 40-45 मिनट तक जरूर जाएगा क्योंकि दोनों टीमें काफी बेहतर खेल का नजारा पेश कर रही है और ये पानी का व्यवस्था करें पानी भर दो पानी का व्यवस्था करें और कहीं ना कहीं सबसे की जो कप्तान ने आजाद रहा की जो कोच है नजर आते हुए और ये क्या आउट होगा टेक्नोलॉजी आउट कर देंगे तो यहाँ पे और फायदा 9-5 लेकिन यहाँ पे चाहिए करने में कामयाब नियाज और नियाज जो इस वक्त बनारपुर के सबसे सीनियर प्लेयर में से एक हैं सबसे सीनियर प्लेयर इन छह प्लेयर में से और यहाँ पे एक और रन का इजाफा होता हुआ बनारपुर के खाते में 6-9-5 लाभी में 3 अंकों का है। और इसका फायदा मिलता हुआ 6-9 अगला प्रहार गेंद का आउट इसी के साथ ही चेंज कमेटी मेंबर से गुजारिश है कि पानी का व्यवस्था करें। अब केवल एक अंकों का रह चुका फासला घटता हुआ 8-9 राइट है क्या लाइन्स मैन का तो यहाँ पे फायदा मिलेगा चेंज के रूप में सबसे लगता है काफी तगड़ा प्रहार आस्था भारत के द्वारा और इसका फायदा मिल जाएगा आस्था भारत को चेंज के रूप में 8-9 की सर्विस आई है अगली सर्विस 8-9 की ये सर्विस कमेटी मेंबर से गुजारिश है थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दें पानी पानी आप सबके पास आता मैंने इनको पास किया था सबने इनको सेट किया और यहाँ पे कुछ लोगों के पास आएंगे इसमें प्राइस मैच किया और इसी के साथ दोस्तों एक बार
और बहुत ही के द्वारा और बहुत ही तगड़ा प्रहार जिसका जवाब देना काफी मुश्किल है अब जो है, लेकिन अभी भी एक अंक से आगे चल रहे हैं मानस तो काफी उनका प्रहार बता दूं कि जो भी दर्शक इस टूर्नामेंट के मैच नहीं देख पाएंगे कोई मैच होता है तो आप सरिकाज ऑफिशियल एंड सरिकाज वर्ल्ड ब्लॉग के जरिए से देख सकते हैं और आने वाले 26 तारीख के मैच अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सरिकाज ऑफिशियल को देख सकते हैं लाइव के जरिए से और इस वक्त आप टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला देख पा रहे हैं छोटे बच्चे हैं वो खास करके हट जाएंगे तो बेहतर होगा बच्चे लोग थोड़ा सा हट जाए अरे छोटे बच्चे हट जाए दस नौ तो गिफ्ट करेंगे माइनर भाई के लिए और ये माइनर भाई को खड़ा कर रहा है कुछ मेरा नहीं उगत और फिर क्या आता है और वो भी कहीं इस मैच का फिलहाल हुआ इस मैच का भी तो बहुत ही उल्टा और फायदा मिल जाएगा सबसे गोष्ठी के साथ टेन इक्वल नहीं अब जो है एक अंक का इजाफा कर लेंगे एक एक ग्यारह इलेवन इलेवन टेन की सर्विस होगी आप एक अंक से आगे अब देखा बड़ा दिलचस्प रहेगा कहीं आपका वापस तो बोले एक मैच और एक बार फिर से मौका उठा लिया है यहाँ पे अच्छा फील किया ये उनका इस मैच और फिर से फिर और एक बार फिर से बेहतरीन मौका और एक मौका का इस मैच टॉस करने के सेकंड उधर भी रहे और यहाँ पे गेंद सिटे नहीं थी आता और ने इतना किया कि तो दूसरे खेल में किया मैं लग गया इस मैच और फिर से फील्डिंग करने का प्रयास एक बार फिर से खेल जारी है और एक बार फिर लगा तो अब
और नियाज ने भी क्रिकेट के अलावा निकले हो जाएंगे इंतजार कर लिया और ये इंतजार चार चार के कामयाब हुआ थे और इसके साथ ही अगली परीक्षा के लिए यहाँ पे क्या मौका बना पाएंगे आता क्विट किया यहाँ पे गुजार सही तरह से टाइम नहीं कर पाया और नेट में उठा दिया जिसका फायदा मिलेगा 11-12 ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ईगो बढ़ाइए ना ईगो को थोड़ा सा बढ़ाइए और यहाँ पे मौका है बाहर चली जाएगी टचआउट करते हुए और इसका फायदा मिलेगा चेक के रूप में एक अंक का एडवांटेज है बनारसपुर के साथ में लेकिन सर्विस करेंगे अगर इस सेट को जीतेंगे बनारसपुर तो उनको एक और अंक चाहिए 13-12 की सर्विस कंटिन्यू करने की आवश्यकता है उनसे गुजरात कुछ मैच मिस किए थे और फिलहाल आरती के परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं गुजरात और यहाँ पे टच करा दिया गया है सबसे जल्दी उससे फायदा मिलता हुआ 13-12 काफी नजदीकी बड़ा सर्विस उमदा स्कोर है मनारपुर का 13 है संतगंज का 12 है तो ये 12-13 की सर्विस है और ये इस मैच का फिलहाल हुआ और गेंद को लंबा करने में नाकामयाब फायदा मिलेगा 13-12 की सर्विस अच्छी सर्विस करें और यहाँ पे मौका अच्छा नहीं करेगा लेकिन कहीं ना कहीं इसी के साथ बड़े पूरा टॉस है लड़के टॉस नहीं बोल रहे।